है, बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग बेटा, माय कैमरा ऑफ कर लो, कैमरा ऑफ कर लो। हाँ जी, सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी को मेरी आवाज आ रही है चैट सेक्शन में लिख दो, और मैं दिखाई दे रही हूँ और स्क्रीन दिख रही है, तीनों चीज हो रही है, यस लिख दो जल्दी से, है ना, जल्दी से यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, सब बाकी सभी को दिख रही है क्या? यस मैम, चैट सेक्शन में बेटा। हाँ बेटा, एक बार दोबारा लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सभी स्टूडेंट्स को दिख रही है, चैट सेक्शन में सभी ने बता दिया। हाँ, एक बार देखो, और थोड़ा नेटवर्क वाले प्लेस पे भी बैठो आप ना। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना, संख्या पद्धति। सभी बच्चों को पता है नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। अभी क्या रूल बताने की सभी को जरूरत है? सभी को पता है हमारी क्लास में रूल्स, कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, लेकिन डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन एक एक करके, ठीक है, वरना डाउट भी आप चैट में लिखोगे तो चल जाएगा, बड़ा डाउट है तो पूछ लो, लेकिन डाउट क्लियर करना बेटा जरूरी है, ठीक है। तीन डॉट पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, इस बॉक्स में पहुंचोगे, इन कॉल मैसेजेस में जाके आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी पोल में आंसर हर बच्चे को देना है, हर बच्चे का आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हर बच्चे को आंसर कहाँ करना है, पोल में, जब भी कहती हूँ मैं पोल में आंसर दो, तो पोल में आंसर देना है, और कहाँ पर, एक्टिविटी में जाके, तीन डॉट पे जाओगे एक्टिविटी आएगी, एक्टिविटी में से आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, ठीक है, पोल में वन एक्टिव पोल आएगा और वहां से आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन है आप उसे क्लिक करिए, और उसके बाद वोट जरूर करना बेटा, अगर वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए ये चीज हाँ तो ये चीज ध्यान देनी है। हाँ बेटा, मैं सभी के डाउट लूंगी आज। हाँ मैं एक बार दोबारा से बताती हूँ, उसके बाद जितने बच्चों के डाउट जो जो आते जाएंगे ना, फिर मैं वो डाउट लेती जाऊंगी, ठीक है। हाँ डाउट मैं सबके लूंगी, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, जिसमें से हमने गुना की संक्रिया पढ़ लिया था, है ना, ऑपरेशन पढ़ लिया था गुना को, यस, हम अभी जोड़ भी पढ़ चुके थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन में बच्चों को अभी दिक्कत हो रही थी, ठीक है, तो एक बार दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं। अगर बेटा आपको एडिशन जोड़ आ गया ना, तो फिर घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, जोड़ आ गया ना तो घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या सीखा था जोड़ में बच्चे, देखो आपको ना सिर्फ तीन चीजें माइंड में ध्यान में रखनी है हर बच्चे को, क्या, पहली बात कि अगर मेरे पास दोनों प्लस के नंबर हैं तो सिंपल प्लस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल प्लस हो जाएगा। अगर मेरे पास दोनों माइनस के नंबर है, ठीक है बेटा, दोनों माइनस के नंबर है तो भी प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन हो जाएगा, सिंपल ध्यान में ये रखो। अगर मेरे पास एक जैसे नंबर है ना, एक जैसे साइन है अगर मेरे पास नंबर्स पे एक जैसे साइन है, तो हमेशा वो क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है, और जो अगर प्लस प्लस का तो प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा, सिंपल ये चीज ध्यान में रखिए, अपने माइंड में बस इतना रूल याद रखो, ठीक है। दूसरा रूल क्या याद रखोगे कि अगर मेरे पास एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, मान लो ये प्लस का माइनस का कर देती हूँ, ये प्लस का कर देती हूँ, कोई सा भी, एक प्लस का है एक माइनस का, मतलब दोनों में से एक प्लस का है एक माइनस का है, बच्चे ध्यान रखना, तो हमेशा आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। अगर मैंने पांच में से चार गया एक आएगा, ठीक है, पांच में से चार गया एक आया, अब साइन कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पर जो नंबर बड़ा है ना उसका साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, जो नंबर बड़ा है, यहाँ पर पांच बड़ा है, इस पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, या पांच बड़ा है, पांच का साइन क्या माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, सिर्फ इतना सा है आपका क्या बेटा, जोड़। अगर एक जैसे साइन है तो हमेशा ऐड होगा, अलग अलग साइन है तो क्या होगा, घटाव होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा, यस, घटाव होगा, और साइन कौन सा आएगा घटाव में, जो दोनों में से बड़ा है नंबर उसमें जो साइन होगा वो साइन आ जाएगा, घटा करने के बाद साइन वो लगा दोगे, यहाँ पर एक जैसा नंबर है एक जैसा साइन है तो आपका क्या होगा, जोड़ होगा, और साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस प्लस के तो प्लस का साइन, माइनस माइनस के तो माइनस का साइन, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई है,
क्या ये बात सभी को क्लियर हुई है? बताओ यस जी चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में बताइए, चैट सेक्शन में क्या इतनी सी बात मेरी क्लियर हुई है? सभी को, जितने भी बच्चे मेरी क्लास में हैं, लिख लो इसको चैट अपने कॉपी में कि अगर मान लो मेरे पास 5 है प्लस 2 है, प्लस प्लस है तो जोड़ ही होगा और साइन भी प्लस का आएगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस होगा लेकिन माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, आपको कैसे आते हैं, ब्रैकेट्स में आते हैं, ठीक है। ब्रैकेट जी के बेटा कौन है ये जिसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो, अब तो इतनी क्लासेस हो गई बच्चे, हमारे क्लास में हर बच्चे को रूल पता है, हर बच्चे को रूल पता है, फिर भी। हाँ चलो, चलिए चलिए ठीक है। अभी देखो बेटा, ठीक है, अभी इतना तो समझ आ गया कि जोड़ में हमें एक जैसे नंबर हो तो हमें जोड़ना है और साइन वही आ जाएगा, अगर एक प्लस का एक माइनस तो घटाना है और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा, सिंपल है, वेरी सिंपल। अब दूसरी चीज बेटा क्या आती है ना यहाँ पर, जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपको क्वेश्चन जो है ना, रोहित की आईडी से जो बच्चा है बेटा, प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो, मैं टाइम दूंगी सबको डाउट पूछने का टाइम दूंगी, ठीक है बेटा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, क्वेश्चन जो है ना आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आपको कैसे आते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो चीज बताई वो देखो यहाँ भी लिखी है, दो पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तो आपको योग करना है और चिन्ह सेम आ जाएंगे, मतलब मैं -5 और -7 कर रही हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं +7 कर रही हूँ, +5 कर रही हूँ तो भी 12 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, एक दोनों अगर एक जैसे चिन्ह है तो जो योग हो जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, जैसा साइन है वैसा साइन आ जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस का आ जाएगा। अगर दो पूर्णांकों में चिन्ह अलग है, मान लो एक प्लस का है ये माइनस का है, या ये माइनस का है ये प्लस का है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा क्या होगा बेटा, घटाव होगा, क्या होगा, घटाव होगा, ठीक है। तो आपने इसको घटाया कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा बेटा, चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, यहाँ पर बड़ा कौन सा है नंबर, 7, 7 में साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस लगा दिया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 में साइन है प्लस का, तो यहाँ प्लस लग गया, ठीक है। सिंपल ये बात है, क्या ये समझ आया, जोड़ करना, सिर्फ ये चीज है, सिर्फ ये तीन रूल, चार रूल है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, समझ आया क्या, ये चीज समझ आई सभी को? ठीक है, तो बेटा देखो अब होता क्या है, जो मैंने बताया वो ये इस तरीके से आ गया, प्लस 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 होता है, साइन प्लस का आ जाता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस का साइन आ जाता है, और प्लस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का है तो आपका माइनस ही होगा और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ बेटा, कि आपको ना क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, क्या नहीं होते, ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन ना, हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको ना ब्रैकेट हटाने होते हैं, ठीक है, क्या करना होता है, ब्रैकेट हटाने होते हैं। तो मैं जब भी ब्रैकेट हटाती हूँ ना बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी हम ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, जब भी हम ब्रैकेट हटाते हैं उसका मतलब होता है गुना, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर मैं इसकी बात करूं तो इससे आगे कुछ नहीं है, प्लस मतलब कुछ भी नहीं है, आप ये सोचो कुछ नहीं है, तो ये तो सिंपल ऐसे ही आप लिख दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बेटा एक प्लस एक माइनस का मतलब वो गुना, गुना के रूल सबको याद है कि हम गुना, जब दोनों नंबर गुना के प्लस के होते हैं और उन्हें गुना करते हैं तो हमें प्लस मिलता है, दोनों नंबर माइनस के होते हैं उन्हें गुना करते हैं तो भी प्लस का साइन आता है, एक प्लस का एक माइनस का होता है बेटा तो हम गुना करते हैं तो माइनस साइन आता है ना, दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का होता है तो हमेशा माइनस साइन आता है। तो हमेशा याद रखना, अंदर प्लस है बाहर माइनस है, या बाहर प्लस है अंदर माइनस है, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे बेटा, माइनस का साइन, ठीक है, ब्रैकेट हटा दोगे, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो पहले आप गुना करोगे, इसीलिए मैंने पहले आपको गुना सिखाई थी, ठीक है। अब मैंने इसको माइनस लिख दिया, -20, अब ये कौन सा फॉर्म बन गया बेटा, कौन बताएगा, चैट सेक्शन में बता दो, अब आंसर क्या आएगा, अब तो ऐड आता है ना, जब माइनस के दोनों होते हैं तो क्या होगा आंसर, माइनस के दोनों होंगे तो क्या होगा आंसर, अब आके आपका एडिशन रूल लग गया, यस -120, बिल्कुल सही,
सिंपल है। तो हमेशा हमें पहले पहला स्टेप क्या होता है बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करो, जो आपका कैसे होता है, गुना मल्टीप्लाई के इन चार रूलों से होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका योग वाले जो मैंने बताए हैं कि दोनों एक जैसे नंबर हो, मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस हो तो जोड़ हो जाएगा और साइन जिसका जो नंबर है वो आ जाएगा, और एक प्लस का एक माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा और साइन बड़े वाले नंबर का आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई है आप सभी को? कोई भी बच्चा जिसको अब नहीं आई हो बेटा, सब टाइम पे ज्वाइन किया करो प्लीज। कोई भी एक बच्चा जिसको अब नहीं समझ आया हो, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? चलो फिर बता दो। मान लो मेरे पास है, आया कौन सा बच्चा है ये, कौन सा बच्चा है ये? हाँ दोबारा बता देती हूँ बेटा मैं। मान लो बेटा मेरे पास है 100 प्लस माइनस 120, ठीक है? चलो बता दो चैट सेक्शन में सभी बच्चे क्या आएगा इसका आंसर, फिर बताती हूँ मैं बेटा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? पहले आपको क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई याद रखो, दोनों नंबर को गुना करते हैं, प्लस प्लस तो प्लस का साइन आता है, दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस का साइन आता है, एक प्लस का एक माइनस का होता है तो माइनस होता है ना, और दोनों माइनस होते हैं तो प्लस होता है। ये मैं गुना बता रही हूँ जो ब्रैकेट सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है बच्चे, ब्रैकेट सॉल्व करने में। तो सभी पहले बच्चे क्या करेंगे, हमारे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो जोड़ के मैंने आपको सिखाए हैं वो अप्लाई करोगे। क्या मैंने बताया है कि अगर दोनों ही नंबर आपके पास माइनस के हैं तो जोड़ हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा, दोनों प्लस के हैं तो भी जोड़ होगा, प्लस का साइन आएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है बेटा तो माइनस होगा और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, ठीक है? तो ये सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने हैं मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है बेटा? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर जो मैंने जोड़ का बताया है दो ये रूल, इनको आपको एड वाले में यूज करना है, ठीक है? देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर बताया है, फिर मैं दोबारा से बताती हूँ, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही बताया है, देखते हैं सही है या गलत है। मैंने क्या बताया बेटा, देखो जिस बच्चे का डाउट था वो बच्चा भी देखेगा, ठीक है बेटा? देखो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ तो प्लस है तो प्लस ये तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है? इधर इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है। अब मैं इस पे गई, ये क्या है, एक प्लस का फिर ब्रैकेट का मतलब गुना फिर माइनस। अगर मैं एक प्लस का नंबर एक माइनस के नंबर को गुना करती हूँ तो साइन कौन सा आता है, कौन सा आता है बेटा आप ही बताओ? मैम, हाँ मैम, जो आप काम दे रहे हैं उसकी फोटो नहीं आ रही, मतलब आप जो काम करवा रहे हो ना, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, मेरी जैसे कि मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्या? क्या बच्चे बताना, yes, चैट सेक्शन में बाकी बच्चे जरा बताना, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? ठीक है, मैं एक बार और शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को तो दिखाई दे रही है ना, एक मिनट बेटा, एक बार और दोबारा से, यस, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिखाई दे रही है, मैं फिर भी एक बार दोबारा से कर लेती हूँ, क्योंकि तीन चार बच्चों को नहीं दिख रही है, ठीक है? एक मिनट, हाँ आप देखिए, आप दिख रही है मैम, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, मैम स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, आप लीव करके एक बार ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है, आवाज आ रही है ना मेरी, चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, मैम आवाज आ रही है लेकिन ना तो आपकी फोटो आ रही, नहीं आप ये जो आप काम करवा रहे हो वो नहीं आ रही, नहीं बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाकी बच्चों को तो आ रही है सभी को, एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप, और एक बार नेटवर्क वाली देखो नेटवर्क आपके प्रॉपर है नहीं, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन भी आ रही है और मेरी आवाज भी आ रही है, मैं दिख भी रही हूँ। हाँ जो बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ था, क्या जिसने क्वेश्चन पूछा था, हाँ बच्चे प्लस माइनस करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले गुना से, तो क्या होता है अगर मेरे पास एक प्लस का नंबर और एक गुना करते हैं उसको, प्लस का नंबर को माइनस के नंबर से तो माइनस का साइन आता है, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लिख दिया। आप ही सिंपल ये याद रखो, अंदर माइनस हो बाहर प्लस हो, बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो, माइनस का ही साइन आता है क्योंकि वो गुना होता है। अब बेटा बता दो जरा, एक प्लस का नंबर है दूसरा माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है तो क्या होगा, दोनों अलग अलग नंबर होते हैं तो क्या होता है, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है,
घटाव ऐड करते हैं या घटा करते हैं? देख लो बेटा, घटा करते हैं। मैंने बताया था दोनों अलग अलग नंबर होते हैं, तो क्या करते हैं? घटा करते हैं। तो मैंने 120 में से 100 घटा दिया, 120 आ दिया, है ना। अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है? बड़ा नंबर कौन सा है? 120। तो 120 के आगे साइन कौन सा है? माइनस का, है ना, माइनस का। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 20 आ गया माइनस का। 100 में 120 में से 100 गए, कितना आएगा? 20। और बड़ा नंबर 120 है, उसका साइन आ गया माइनस का 20। क्या आप समझ आया है ये वाली बात? अगर आगे आया ना तो यस लिख दो, और नहीं आया तो नहीं लिख दो। जल्दी से सभी बच्चे बेटा प्लीज माइक बंद कर लो, प्लीज 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 प्लीज। एक बार यस लिखो बेटा, एक बार। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या बताया, दोनों चीज मैंने यहाँ लिख के दिखा दी आपको। इसीलिए पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व किया मल्टीप्लाई वाले रूल से, कि मल्टीप्लाई के रूल याद होने चाहिए आपको, है ना। उसको हमने क्या किया, अपने जो योग वाले जो रूल थे कि एक जैसे एक जैसे साइन होंगे तो ऐड होंगे और वही साइन आ जाएंगे, और एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो हमेशा घटा होगा, और जो नंबर बड़ा होगा उसका क्या आएगा? साइन आएगा। तो जैसे यहाँ माइनस 10 था तो माइनस का साइन आ गया, यहाँ प्लस 10 था तो प्लस का साइन आ गया, बड़ा नंबर का साइन आएगा। तो दो स्टेप है, ये स्टेप वन है जिसमें आप स्टेप वन में क्या करोगे, ब्रैकेट हटाओगे मल्टीप्लाई से, फिर सेकेंड स्टेप एड का है जो उसके रूल फॉलो करके देखोगे कि प्लस होगा या माइनस होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं? अब मैम आप जो क्वेश्चन पूछेगा वो आ ही नहीं रहा है बेटा, ऐसा पॉसिबल? एक मिनट दो फिर मुझे, दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। हाँ सभी बच्चों को मैंने सभी की हटाई है, एक मिनट स्क्रीन बच्चे मैं दोबारा ऑन कर रही हूँ, ठीक है एक मिनट दीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, एक मिनट दो, मैं वही चीज भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि एक मिनट दीजिए मुझे। यस, अब देखिए सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? जिस बच्चे को नहीं दिख रही थी वो भी बता दे जरा। यस मैम। चलो फिर अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? क्या आप सबको समझ आ गया है ना, दो स्टेप क्या क्या है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है? आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है माइनस, ब्रैकेट है माइनस 7562 प्लस, फिर ब्रैकेट माइनस 3124, ठीक है? पहले आप क्या करोगे, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई के रूल फॉलो करके, उसके बाद आप जो मैंने ऐड के रूल बताए हैं उनको लगाओगे, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। और बेटा मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिक्वेस्ट नहीं अभी मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि क्लास में टाइम से ज्वाइन किया करो, कोई भी बच्चा क्लास के बीच में ज्वाइन नहीं करेगा, ये सभी बच्चों के लिए है। क्लास के बीच में कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा, स्टार्टिंग में ज्वाइन करनी है, और हर 5 मिनट आप लोगों की अटेंडेंस होती है बेटा, ठीक है? और क्लास में सिर्फ अटेंडेंस के लिए मत आया करो बेटा, पढ़ाई करने के लिए आया करो, तो सबको ज्वाइन करने हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी चीजें। चलो करिए सभी बच्चे, बेटा ध्यान से कीजिए, मैंने जो बताया उसको फॉलो करो, देखते हैं फिर कितने बच्चे सही करते हैं।
सभी बच्चे करेंगे या सभी बच्चे, जितने बच्चे हमारी क्लास में हैं मुझे उतने बच्चों का आंसर चाहिए। जल्दी जल्दी करिए, पहले कॉपी में करो, जो जो रूल बताया उनको फॉलो करो, और रूल ना बेटा साइड में लिख लो, याद रहेंगे आपको, याद करने में भी और क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। फिर जब एक बार दो चार क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। फिर मैम, हाँ जी बेटा, बेटा मैं मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैं पूछो बेटा, पढ़ाई से रिलेटेड ही है। यस मैम, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैम जो आप रिकॉर्डिंग करते हो ना हाँ वो व्हाट्सएप पे भेजते हो, हाँ बेटा, तो फिर मैम जो आपने अभी समझाया था वो मैंने मेरी ऑनलाइन यानी कि आ नहीं रही थी ना स्क्रीन। हाँ तो बेटा जो कल मैं सुबह ना आपको, कल सुबह 11 बजे तक आपके पास ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप फर्स्ट हाफ दोबारा से देख लेना, ठीक है? और वैसे भी 5 मिनट आप क्लास के बाद 5 मिनट रुक भी जाना, दोबारा से बता दूंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है? ओके मैम, चलो बच्चे, पांच जितने बच्चे बच्चे हैं ना वो भी आंसर करेंगे बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, हमारी क्लास के रूल ही यही है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना? वेरी गुड, आने लगे हैं और काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, मतलब समझ आ गया है आप, मुझे इतना तो पता लग गया। चलो सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो सभी बच्चे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो, 5 4 3 2 1 0, ठीक है? चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है? अच्छा मुझे एक चीज और बता दीजिए, क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता हो, जिसका पोल नहीं चलता हो, कोई है क्या ऐसा बच्चा? मतलब वो जो बच्चा है ना बस वो बता दे, नहीं बाकी बच्चे ना बताएं, बस जो बच्चा ऐसा है वो अपना नाम लिख दे, यस मैं हूँ, ऐसे ही बता दो मुझे। कोई नहीं है, मतलब सबका चलता है ना, सबका चलता है ना बच्चे, सबका चलता है हमारी क्लास में, ठीक है? ऐसा कोई बच्चा है जो एक फोन से दो बच्चे ज्वाइन हो, ऐसा कोई बच्चा है हमारी क्लास में एक एक फोन से दो बच्चे यस मैम, ज्वाइन हो? अच्छा यस मैम, एक मिनट, एक मिनट है मतलब, चलो ठीक है। अच्छा ऐसे जो बच्चे हैं ना मुझे जरा अपना नाम लिख देना, एक फोन से दो दो बच्चे जो ज्वाइन है अपने अपने नाम लिख देना, जितने बच्चे हैं ऐसे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बेटा? सिंपल है, मैं आपको यहां पर करके दिखाती हूँ, ठीक है? यस, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, आप पहले क्या करोगे बच्चे, पहले आप क्या करोगे, पहले आप करोगे ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट सॉल्व कैसे होते हैं बेटा, कि आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई को देखते हो, है ना? मल्टीप्लाई के रूल क्या कहते हैं, अगर दोनों नंबर प्लस के होते हैं तो नंबर जो रिजल्ट आता है वो भी प्लस का होता है, ठीक है? और अगर आपका एक माइनस का है, दूसरा भी माइनस का, उन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका साइन क्या आता है, प्लस का आता है। एक माइनस का है, एक प्लस का है, या पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो हमारे पास साइन कैसे है, माइनस के। ये मल्टीप्लाई आपको सबको पता है ना, हमने बहुत सारे इस पे क्वेश्चन भी किए थे। तो बेटा यही ब्रैकेट को हम यहाँ यूज करेंगे, इसके ये तो सिंपल है, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है? अब यहाँ बात आती है, यहाँ बात है, मैंने सिंपल बताया, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या होता है, क्या होता है बेटा, मैं इसलिए दिखा दिखा के कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, माइनस का साइन आता है ना? क्या आता है, एक प्लस का नंबर को गुना करते हैं माइनस के नंबर से तो क्या आता है, माइनस का साइन। जैसे मैं -5 की गुना +6 से करती हूँ तो बेटा -30 आता है, ये समझाना चाह रही हूँ, माइनस के साइन के साथ नंबर आता है। तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया और ये नंबर लिख दिया, ठीक है? अब मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पर खत्म हो गया मल्टीप्लाई का काम, ठीक है? मल्टीप्लाई के रूल खत्म हो गए। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, हमारे ऐड का, जोड़ का। जोड़ का मैंने क्या बताया था,
जोड़ का मैंने क्या बताया था, अगर एक जैसे नंबर हो तो क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, एक जैसे नंबर हो तो जोड़ देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, है ना। तो इनको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया इन दोनों को। जब हम इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, छह और दो और चार छह, छह और दो आठ, पांच और एक छह, और ये दस, ठीक है। तो और साइन कौन सा आ जाएगा, वही माइनस का, जिस जो से नंबर होते हैं जो जो साइन होता है वही वाला साइन आ जाएगा। एक जैसे नंबर पे अगर प्लस प्लस के होते तो प्लस का साइन आता, माइनस माइनस का तो माइनस का साइन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये बहुत बच्चों का करेक्ट था, क्या बहुत बच्चों का करेक्ट था, मतलब आप सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अब समझ आने लगा है बच्चों को। क्या अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा हो, अभी हमारी क्लास में ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आ रहा हो, कोई भी एक बच्चा अगर आगे आया ना तो यस लिखना, जिसको नहीं आया वो एन लिख दो, तो फिर मैं दोबारा देख लेते हैं उस बच्चे को, क्योंकि अब गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसको, हमने दो स्टेप में करा बेटा, है ना, पहला प्रोसेस में हम कर रहे हैं ब्रैकेट को हटा रहे हैं मल्टीप्लाई से, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अपना जोड़ वाला यूज कर रहे हैं कि अगर एक जैसे साइन है तो हम ऐड कर देंगे वही साइन आ जाएगा, और अलग अलग है प्लस का है माइनस का तो माइनस हो जाएगा, बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा। वेरी गुड, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो सभी बच्चे, चलो इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, कितनों को समझ आया मुझे भी पता लगेगा, और मैं सही पढ़ा रही हूँ मुझे भी पता लगेगा, है ना बच्चा। चलो पोल में आंसर करेंगे, ब्रैकेट है माइनस 217 प्लस 100, सिंपल, तो बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, पहले कॉपी में करना, पहले ब्रैकेट, उसके बाद पहला स्टेप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, दूसरा स्टेप ऐड वाला यूज करोगे। चलो बता दो कितने बच्चों को समझ आया बेटा, ध्यान से कीजिए, ध्यान से देखो, पहले साइन को देखो उसके बाद समझो। नहीं 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 अभी भी बच्चे गलत कर रहे हैं, साइड में रूल्स लिख लो, है ना, साइड में रूल लिख लो ताकि आपको समझ आए। ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद ऐड में मैम ने क्या बताया था कि दोनों एक जैसे नंबर हो तो जोड़ते हैं और वही साइन लगाते हैं, और अलग अलग हो नंबर जोड़ में अलग अलग हो, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है या माइनस का है प्लस का, ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, है ना बच्चे। तो उसको ही दिमाग में रखो आप, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे नहीं बेटा जल्दी जल्दी कीजिए, सभी का आंसर नहीं आया है अभी, सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हमारी क्लास में है सभी का आंसर आना चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी कीजिए, चलो 5 सेकेंड और देती हूं मैं, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है बच्चे। अभी देख लेते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, माइनस 217, ठीक है, प्लस 100, मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं, नहीं तो वैसे आप देखो इसके आगे प्लस होता है, ठीक है, तो उसका मतलब भी वही है, प्लस माइनस आपका माइनस, ठीक है, अगर नहीं भी है तो सिंपल वही लिख दो, ब्रैकेट हटा दो, इधर कोई ब्रैकेट है ही नहीं, इधर कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो मैंने प्लस का 100 लिख दिया। अब एक प्लस का हो अगर, मतलब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, चैट सेक्शन में बता दो, माइनस करते हैं, तो मैंने 217 में से 100 घटा दिए तो कितना आएगा 117, ठीक है बच्चे। अब इसमें से बड़ा साइन नंबर कौन सा है,
बड़ा नंबर कौन सा है? 217। 217 पे साइन कौन सा है? माइनस का। तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, है ना। तो आंसर क्या हुआ? डी। लेकिन आधे बच्चों ने आंसर गलत किया था क्या? अब कहाँ पर दिक्कत है बच्चे, मुझे एक एक करके बता दो। जिन बच्चों को जो जो दिक्कत आ रही है ना, मुझे वो बता दो बेटा, क्योंकि पोल में आंसर गलत हो गया। मैं दोबारा से बता दूंगी, बता दीजिए। कोई बच्चा बच्चा, फिर आंसर तो गलत हो रहा है। अगर आपको समझ आ गया तो फिर आंसर नहीं गलत होने चाहिए। देखो, आपको दिमाग में बस दो चीज रखनी है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, जो मल्टीप्लाई के रूल से हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपके पास ये वाली स्टेज आएगी, जहां पर ये डिसाइड करना होगा आपको कि आपको ऐड करना, जोड़ना है या घटाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर एक जैसे साइन है बेटा, अगर ये माइनस 217 माइनस 100 होता ना, तो आप क्या करते, जोड़ देते, 317 आता माइनस का। अगर ये सिंपल 217 और 100 होता, दोनों एक जैसे साइन होते प्लस के, तो भी आप जोड़ देते और साइन आ जाता प्लस का। लेकिन एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, या पहले वाला माइनस हो दूसरा, मतलब दोनों में से एक प्लस एक माइनस है, तो हमेशा घटेंगे, घटाएंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे? घटाएंगे। और साइन कौन सा है? बड़े वाले नंबर का। अब यहाँ पर बड़े वाले नंबर का साइन प्लस था, माइनस था, तो मैंने माइनस लगा दिया। इस क्वेश्चन में देखो, बड़े वाले नंबर का साइन प्लस का है, 217 प्लस का है, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ बेटा? डी। क्या ये बात समझ आई है सभी को? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, यस और नो। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे। हाँ, ठीक है, फिर मैं अब एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, देखती हूँ अब कितना समझ आया है, ठीक है, कितना समझ आया है। चलो चलो बता दो जरा इसका आंसर, पोल के अंदर बताना है सभी बच्चों को आंसर, ठीक है। 110 प्लस फिर ब्रैकेट माइनस 100, ठीक है। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देखो उसके बाद एक बन जाएगा कैसा, कि आपको देखना होगा तो जोड़ करना है या घटाना है। सभी बच्चे करेंगे और ध्यान से करेंगे आपकी बार। बड़े वाले नंबर का साइन आता है हमेशा, याद रखना, तो ध्यान से कीजिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो और उसके बाद देखो कि घटाना है या जोड़ना है, फिर वो करो, उसके बाद ये देखो कि कौन सा नंबर बड़ा है, फिर उसका साइन कौन सा आएगा, ठीक है। चलो सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। हमारी क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है, सभी का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड। और भी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे बच्चे। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं बेटा ऑन, ठीक है। अभी जिस बच्चे का रह गया था, जल्दी से चैट में आंसर कर दो, ठीक है। अभी देखो, 110 है प्लस है माइनस 100 है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ब्रैकेट हटाऊंगी, तो ये तो सेम ही आ जाता है ना, ये तो सेम ही कर दो। अभी क्या है, माइनस यहाँ पर प्लस का है और यहाँ माइनस का, प्लस माइनस सबको पता है, अब तो प्लस की गुना माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस का साइन और 100 लिख दिया।
अब आपको पता है, अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि जोड़ना है या घटाना है। तो मैंने क्या बताया, अगर दोनों के एक जैसे साइन होते हैं तो हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक प्लस का है एक माइनस का है, इसके आगे कुछ नहीं, तो मतलब प्लस का होगा ना बेटा, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो आ गया 10। अब साइन कौन सा आएगा बेटा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 110, 110 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का, तो 10 इसका आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब क्या मेरे क्लास में सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई है? जल्दी बता दो क्या समझ में आई है या अभी भी कोई डाउट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बेटा घटाव भी बिल्कुल सेम है, घटाव भी बिल्कुल सेम है। बेटा प्लीज सभी से निवेदन है कि बार बार आप रीज्वाइन और लेफ्ट ना हो, क्लास में पूरे टाइम के लिए बने रहे, ठीक है, ऐसे बार बार। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा, हम अब क्या पढ़ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, घटाव पढ़ेंगे। घटाव बिल्कुल ऐड की तरह, जोड़ की तरह, ये सेम रूल अप्लाई होते हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है बेटा, सेम वही, दो धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर का, दो नेगेटिव नंबर का, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर का। ठीक है बेटा, तो सेम है, जैसे देखो उसने लिखा है पूर्णांकों के घटाव के नियम योग के ही समान होते हैं। जैसे एक दोनों पूर्णांक के चिन्ह समान है तो हम योग करेंगे और सेम चिन्ह आ जाएगा, मतलब माइनस पांच माइनस सात आप क्या करोगे 12 करोगे, मतलब जोड़ दोगे और माइनस का साइन आ जाएगा। सेम अगर प्लस के हैं तो भी आप क्या करोगे जोड़ोगे और प्लस का साइन आ जाएगा। अब वो बोल रहा है अगर पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है बेटा, जैसे ये अभी जो हम करते हैं ना, तो क्या होगा घटाव होगा, सेम योग वाले ही है तो भी दो आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा बेटा, जो बड़ा नंबर है उसका, सात का, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। पर वही चीज की आपको हमेशा डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ब्रैकेट पहले आएगा, है ना, और ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, गुना से, मल्टीप्लाई के रूल से। तो सेम वही है, सेम वही है बेटा। ठीक है, क्या है, सेम वही है। देख लेते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूं, कि यदि दो चिन्ह प्लस या माइनस के बीच कोई भी संख्या नहीं है तो उसको उन दोनों के बीच गुना होता है, जो हम मैं बता रही थी आपको, जो हमें पता है अभी। अब मैं इसका ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो बेटा क्या आएगा, देखो इसका तो माइनस 100 ही आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस माइनस है, तो बेटा हमको पता है माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। वेरी गुड, ठीक है, प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस का नंबर आता है, माइनस को माइनस करते हैं तो प्लस का आता है, एक प्लस का एक माइनस होता है तो माइनस का आता है। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का होता है तो भी हमारा माइनस का आता है। तो ये आपको मल्टीप्लाई के रूल पता होने चाहिए, ठीक है, पता होने चाहिए बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस बन जाएगा, ब्रैकेट का मतलब सोचो गुना है। ठीक है, ये प्लस 130। अब ये वाला देखो वही रूल बन गया हमारा, एक जैसे चिन्ह नहीं होते तो क्या करते हैं, एक जैसे चिन्ह नहीं होते तो क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। तो मैं घटा दूंगी, कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब नंबर कौन सा बड़ा है बेटा, नंबर कौन सा बड़ा है, 130 बड़ा है, तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। क्या ये बात समझ आई है, सेम एड, अभी मैं बार बार बोल रही थी, अगर आपको ऐड आ गया ना बेटा तो सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर को रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, मैं एक बार और कर देती हूँ। ठीक है, हाँ मैं अब दूसरे नंबर के साथ करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इस अगर मैं नॉर्मल है, दो धनात्मक संख्याएं हैं उनको जोड़ रही हूँ तो बेटा क्या आएगा, सिंपल है, इसमें से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 37 बड़ा है, पॉजिटिव साइन आएगा, है ना, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर मैं मान लीजिए ये नंबर है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना, घटाते हैं। तो मैंने 30 की 30 आ जाएगा, साइन कौन सा बड़ा है, 130 का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, माइनस का साइन आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो आपको हमेशा घटाना है और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। ठीक है, घटाना है और बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। और यहीं पे ये माइनस 36 और माइनस 17 होते तो बेटा जोड़ देते हमें, 54 आता माइनस का, ऐसे ही 37 प्लस 17 होता तो भी 54 आता पर प्लस का। एक जैसे नंबर है, एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ना है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं।
पर आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, आपको ब्रैकेट के साथ मिलते हैं, है ना बेटा? मैंने अभी बार बार मैं ये चीज बता दी, ऐसे मिलते हैं आपको। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, इन ब्रैकेट को गुना के जो हमारे रूल है उनसे हटाना पड़ता है। ठीक है बेटा, रूल गुना के मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ कि मेरे पास दोनों नंबर अगर प्लस के होते हैं तो मुझे प्लस का ही रिजल्ट मिलता है। मान लो मैं 5 की गुना 6 से करती हूँ तो 30 मिलता है प्लस का ही। अगर मेरे पास दोनों नंबर माइनस के होते हैं, उन्हें गुना करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्लस का नंबर। जैसे -6 -5 तो इसे हमें 30 मिलेगा, प्लस का रिजल्ट में हमें प्लस का साइन आ रहा है। अगर मेरे पास 1 + 1 - होता है तो माइनस आता है, 1 + 1 - आता है। ये रूल इसीलिए मैं बोलती हूँ याद होनी चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको माइनस का 30 मिलेगा, ए 5 माइनस का है, ए प्लस का है तो भी आपको माइनस का मिलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है आपको क्या बेटा, पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है, गुना के रूल से ब्रैकेट हटाने होते हैं। तो गुना के जैसे अब मैंने यही 37 को, तो यही सेम हो जाएगा, है ना? अब यहाँ माइनस माइनस है, दोनों माइनस हो तो क्या होगा, दोनों माइनस हो तो क्या आता है, साइन प्लस का। गुना हो गया ना, ब्रैकेट का मतलब गुना, हाँ प्लस का। अब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या होगा, प्लस होगा या जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। अभी हमने देखा था ना, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो मैंने इसको घटा दिया, मुझे 20 मिला। अब नंबर कौन सा बड़ा है, 37 37, तो इसका नंबर माइनस है साइन, तो माइनस का 20 आ गया बेटा। क्या अब समझ आया है? दो स्टेप में सोचो, पहले स्टेप में आपको मल्टीप्लाई वाले रूल से, गुना के रूल से ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर एक जैसे साइन हो तो जोड़ दो, अलग अलग साइन हो तो घटा दो, बड़े वाला साइन का चिन्ह लगा दो। क्या मेरी बात समझ आई है, समझ आई है क्या? चलो फिर इसका आंसर बता दो कितना आएगा, इसका आंसर बता दो क्या आएगा चैट सेक्शन में, देखते कितने को समझ आया है। Yes. क्यों, क्या किया हमने, इसका तो सेम यही लिख देंगे, इस ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट तो हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या हो जाता है, गुना में प्लस लग जाता है 130। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, जब दोनों साइन अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो घटा देते हैं, है ना? तो 30 आएगा और 130 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, क्या अब ये चीजें रिपीट करने की जरूरत है क्या? चलो फिर इसका आंसर बता दो क्या आएगा, चलो देखते हैं कितनों को आएगा, कितनों को आया, देखते हैं जरा। 37 माइनस ब्रैकेट माइनस 17, बताओ कितना आंसर आएगा। बता दो कितना आंसर आएगा, मोहम्मद हुसैन की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करना, मोहम्मद हुसैन की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। क्या करेंगे आप बताओ मुझे। मैम 54 आएगा। नहीं आएगा तो 54 कैसे आएगा, मुझे ये जानना है। कैसे आएगा ये बताओ। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, गुना के रूल से, है ना? तो 37 का तो 37 ही, यस मैम। माइनस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस भी माइनस से गुना करते हैं, ब्रैकेट प्लस प्लस होगा। ठीक है, 17 आ गया। अब मैंने 37 की 17 से को अब दो में बता भाई, हद जरा में एक आदमी तो दिया हमने, तो 54 आ गया, साइन प्लस का आ गया, तो क्या आ गया 54। मैम आवाज नहीं आ रही, करो अब आ जाएगी आवाज। ठीक है, तो माइनस माइनस हमने किया प्लस, तो मैंने ब्रैकेट से पहले प्लस को सॉल्व किया, उसके बाद क्या किया, दोनों को एक जैसे साइन थे जोड़ दिया। वेरी गुड, चलो म्यूट कर लो बेटा।
ठीक है चलो अगला बता दो मुझे ये वाला क्वेश्चन, माइनस 100 माइनस 130 क्या आएगा? माइंड में ये रखना बेटा, इसके अगर अंदर कुछ नहीं इसका मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस करना है आपको, प्लस माइनस तो माइनस ही होएगा। आपने इसको लिख दिया माइनस 100, यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया 130। अब दोनों एक जैसे साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं बेटा, जोड़ते हैं, तो मैंने इसको जोड़ दिया 230 माइनस का। बेटा ब्रैकेट को जब सॉल्व कर लेते हो उसके बाद माइंड में बस दो चीजें रखो, अगर एक जैसे साइन है तो जोड़ना है, अलग अलग साइन है तो घटाना है। नहीं बेटा 30 कैसे आएगा, 30 थोड़ी आएगा, 230 आएगा माइनस का। क्या आप किसी बच्चे को डाउट है क्या? मैम कैसे आया फिर से बताना, क्या बताना है बेटा दोबारा पूछो एक बार। देखो बेटा पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करना था, है ना, ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई के रूल से करेंगे, या तो ये वाला तो मैंने बताया आपको, पहले वाला ब्रैकेट को आप ऐसे ही लिख लिया करो। दूसरा वाला देखते हैं, अगर इसके अंदर कोई साइन है इसका मतलब प्लस है, ठीक है, तो एक प्लस माइनस का हो प्लस का हो उसको गुना करते हैं तो हमारे पास कौन सा साइन आता है माइनस का, तो मैंने माइनस 30 लिख लिया। उसके बाद हमने घटाव और जोड़ के रूल्स पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 230 आ गया। पहले स्टेप में हम गुना देखते हैं, दूसरे स्टेप में बेटा जोड़ और घटाव देखते हैं, एक जैसे नंबर है तो उन्हें जोड़ देते हैं वही साइन आ जाता है, अलग अलग नंबर है तो घटा देते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन आता है। अगर ये नंबर 100 प्लस 130 होता ना, माइनस 100 प्लस 30 तो मैं कर सकती, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो मैं घटा देती और साइन बड़े वाले नंबर का आ जाता प्लस का, या ऐसे होता तब भी मेरे पास 30 आता और माइनस का साइन आता क्योंकि 130 बड़ा है, क्योंकि एक प्लस का नंबर एक माइनस का, लेकिन जब दोनों ही माइनस के हैं या दोनों ही प्लस के होंगे तो हमारा प्लस होगा बेटा, और साइन जो वाला साइन है वही आएगा। क्या मैं आप क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या अभी भी डाउट है, पूछू क्या? चलो देखते हैं कितनों के सही होते हैं। बेटा पहले साइड में अपने मल्टीप्लिकेशन के रूल रख लिख लेना, ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लिकेशन के रूल यूज करना, ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो माइंड में ये याद रखना दोनों एक जैसे नंबर होंगे, दोनों एक जैसे नंबर होंगे मतलब दोनों माइनस माइनस के साइन है तो जोड़ हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस के साइन है तो जोड़ होगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटाव होगा, बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, पर उससे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन है आपके पास माइनस 118 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस 90 ब्रैकेट क्लोज, तो पहले आप क्या करोगे बेटा ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट्स को बताया ये आपको सॉल्व करना। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो मल्टीप्लाई से, उसके बाद देखो एक जैसे नंबर है अलग अलग है वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से जितने रूल मैंने बताए उनको सोच के करो। मैम भी नहीं बेटा नहीं प्लीज, पहली बार थोड़ी हो आए आप क्लास में, ऐसे नहीं बताते, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, तो ऐसे आंसर नहीं बताना अपना, सभी बच्चे करेंगे जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। अभी भी कुछ बच्चे बड़े बच्चे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
वेरी गुड। और भी बच्चे आंसर करेंगे, सभी का नहीं आया है, जल्दी जल्दी कीजिए, सभी का नहीं आया है। जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो अभी देखो बेटा क्या है, -118 है। ठीक है, -(-90) है। अब देखो बेटा सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। ठीक है बेटा, ब्रैकेट के लिए आप क्या करोगे, ये तो ये वाला ब्रैकेट तो आप एज इट इज लिखोगे, मैंने बताया। अब यहाँ पर क्या माइनस, माइनस क्या होता है बेटा, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें कौन सा साइन आता है, कौन सा साइन आता है, प्लस का आता है ना। माइनस माइनस की गुना माइनस के नंबर से करते हैं तो वो नंबर प्लस का मिलता है, तो मैंने यहाँ +90 लिख दिया। ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, गुना भूल जाओ। अब आता है अगर मेरे पास एक प्लस का नंबर हो, एक माइनस का हो, तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं जोड़ते हैं, घटाते हैं जोड़ते हैं, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, घटाते हैं। तो मैंने इसको इसमें से घटाया, मुझे मिला 28। अब इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है, 118। 118 के साइन कौन सा है, माइनस। कौन सा आंसर ठीक हुआ, बी। फिर बच्चे कुछ बच्चों ने आंसर क्यों सी करा है और ए किया है, अगर आपको समझ आ रहा है तो बेटा आंसर बिल्कुल सही आने चाहिए, काफी बच्चों ने आंसर सही किया है, ऐसा नहीं कि सबके गलत है। क्या ये बात समझ आई है, एक क्वेश्चन और पूछ लू क्या, एक क्वेश्चन और पूछ लू क्या, चलो बेटा माइंड में रखो, पहला स्टेप, पहला प्रोसेस ब्रैकेट सॉल्व करना है, जो गुना के रूल से होगा गुना के रूल साइड में लिख लो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा। मैम 28 कैसे आए बेटा, माइनस की माइनस से गुना करी, ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया ना, ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लगा दिया। ठीक है, इतना समझ आया, अब ब्रैकेट का पार्ट खत्म हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था, जोड़ और घटाव में अगर एक जैसे नंबर होते हैं तो हम उन्हें जोड़ देते हैं और अलग अलग नंबर होते हैं तो घटा देते हैं। तो मैंने 118 में से 90 घटा दिया, 28 आ गया। अब इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है, 118, उस पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया बेटा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, यस और नो? Yes, ma'am. चलो फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देते हैं। ठीक है, देखो मैंने, चलो क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज दोबारा से बता देती हूँ, है ना। दो पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, ब्रैकेट को सॉल्व करके अंतिम चिन्ह बना लो, कि प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को प्लस से गुना करते हैं माइनस आता है, जो मैं बार बार बेटा लिख रही हूँ वही चीज है, माइनस को माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, मतलब अगर एक माइनस है और अंदर भी माइनस है तो आपका वो प्लस बन जाता है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है ब्रैकेट तो आपका क्या हो जाता है, माइनस बन जाता है, बाहर माइनस है अंदर प्लस है उसका मतलब ही माइनस आएगा। ठीक है, और अंदर कोई साइन नहीं है उसका मतलब प्लस होता है बेटा। ठीक है, अब मेरे को इस क्वेश्चन को ही लेना है। ठीक है, -37 ब्रैकेट ब्रैकेट 17 है, तो बेटा मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, अब मुझे पता है एक प्लस का हो एक माइनस का हो, नंबर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो मेरा 20 आ जाएगा, और बड़ा नंबर कौन सा है, 37, तो इसका माइनस साइन आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है, क्या ये बातें समझ आ रही है सभी को, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से मुझे। यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा, और चिन्ह अलग अलग है पूर्णांकों को समान ही आएगा, मतलब रिजल्ट जो समान आएगा। यदि पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा, तो चिन्ह बड़े चिन्ह का मतलब बड़ा चिन्ह जो होगा, बड़ा जो पूर्णांक होगा उसका चिन्ह आएगा। सिंपल बेटा, जो मैं करती आ रही हूँ। जैसे अब इस क्वेश्चन को लो, जरा बताना जरा आंसर क्या आएगा, देखते हैं कितनों को समझ आया है, बता दो जरा चैट सेक्शन में। बता दो जरा चैट सेक्शन में, वेरी गुड वेरी गुड। देखो -8
प्लस माइनस चार है बेटा, तो इसको तो मैंने माइनस आठ लिख लिया। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं क्या आएगा, माइनस आएगा, तो मैंने माइनस चार लिख दिया। जब अब आपके पास ब्रैकेट का काम खत्म, अब आपका पहला स्टेप हो गया, आप दूसरे स्टेप पे आ गए। दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं, अगर एक जैसे साइन होते हैं तो क्या होता है, जोड़ होता है ना, तो माइनस बारह, ठीक है, एक जैसे साइन यानी कि प्लस प्लस हो दोनों नंबर या माइनस माइनस हो तो जोड़ देंगे, सिंपल, ठीक है, ठीक है। क्या देखो वही किया, एक प्लस माइनस को माइनस, यहां से माइनस बन गया ब्रैकेट हटा के और आंसर आ गया बारह, ठीक है। अगर दोनों माइनस के हो तो क्या होगा, साइन ब्रैकेट हटाने के लिए क्या आएगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस की गुना माइनस से की तो क्या आता है प्लस, तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। अब दोनों नंबर क्या है, अलग है, अगर दोनों नंबर अलग हो तो क्या होता है, यदि दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं और चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का लिखते हैं, बीस आ जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा। बेटा मैंने आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बता दिया है, अब गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, देखते कितनों को समझ आया है, देखते कितनों को समझ आया है। 120 की माइनस करना है आपको 150 से, चलो पोल में आंसर देंगे बच्चे, पोल में आंसर देंगे, देखते हैं। और अंदर ब्रैकेट के अंदर बेटा कोई साइन नहीं है, उसको मतलब होता प्लस है, नहीं बच्चे ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, वेरी गुड, ध्यान से कीजिए, ध्यान से करो बेटा, देखो पहले आपका कि साइन कौन, ब्रैकेट को सॉल्व करो गुना से, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व हो जाए फिर देखो साइन कौन से है, जोड़ होगा या घटाव होगा, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, जल्दी से कर दीजिए, चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं, सॉरी मैम गलती से हो गया, 5 4 3 2 1 0, ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देती हूँ मैं ऑन। बेटा सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, देखो मैंने क्या बोला, 120 है ब्रैकेट 150 है, ठीक है, मैंने 120 का 120 लिख दिया, यहाँ तो प्लस का साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का साइन क्या आता है, एक प्लस की माइनस से गुना करते हैं तो साइन माइनस का आता है, माइनस 150 आ गया। अब एक प्लस का एक माइनस का हो तो आप गुना जोड़ते हो या फिर घटाते हो, एक प्लस का साइन, साइन अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और साइन कौन से नंबर का आता है, बड़े नंबर का आता है बच्चे, तो सी ऑप्शन करेक्ट था, फिर भी बच्चों ने डी ऑप्शन मुझे नहीं बताया क्यों लगाया, हाँ क्यों लगाया। चलो बच्चों इसकी ना प्रैक्टिस करोगे आप लोग, ठीक है, आज के लिए हम यही इतना ही रखेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है मैम। होमवर्क क्या कर दो इंटीजर्स पे, हाँ बच्चे इंटीजर्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे इस पे प्रैक्टिस करेंगे।